तो सैमसंग ने ऑलमोस्ट रिलीज़ कर दिया है काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड 11 प्लस वन यू आई 3 की स्टेबल अपडेट। बेसिकली यहाँ पे हमें वन यू आई 3 में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाती है। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे वन यू आई 3 में जो आप लोगों को फीचर्स देखने के लिए मिल जाती है वो यहाँ पे वन यू आई 2 से काफ़ी इनहेंस फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल चेंज देखने के लिए मिल जाती है, कॉल बैकग्राउंड फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे वन यू आई 3 के अंदर मेंशन देखने के लिए मिलती है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे यूजर्स वेट कर रहे हैं कि यार हमारे डिवाइस के अंदर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगी। ऑलमोस्ट पता है हम लोगों को कि सैमसंग ने एम सीरीज के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लिए रिलीज कर दिया है एंड्रॉयड 11 प्लस वन यू आई 3 की स्टेबल अपडेट। बट गाइस यहाँ पे ए सीरीज के किसी भी डिवाइस के अंदर अपडेट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है बेसिकली इंडिया के अंदर। तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग A50 डिवाइस के बारे में कि गाइस यहां पे A50 डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 11 प्लस वन या 3 की अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगी। विद प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि अपडेट कब तक मिलने वाली। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना यार, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट वन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सैमसंग ने ऑलमोस्ट A50 के लिए रिलीज कर दिया है फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच अपडेट। बट गाइस यहां पे आउट ऑफ इंडिया अपडेट देखने के लिए मिली है। बेसिकली यहां पे इंडिया के अंदर मे बी N5 तक अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस यहां पे अगर अपडेट से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी A50 के ऊपर तो गाइस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। अदरवाइज अगर हम बात करें यार कि हमें एंड्रॉयड 11 प्लस वन या 3 की स्टेबल अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगी तो गाइस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि सैमसंग यहाँ पे A50 के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 30 जैन 2021 को एक न्यू फर्मवेयर टेस्ट किया गया था जिसमें आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्स न्यू में एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहाँ पे सैमसंग एक एक करके यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्मवेयर जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। अगेन यहाँ पे 3 फेब 2021 को एक फर्मवेयर टेस्ट किया गया, उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर एक फर्मवेयर टेस्ट किया गया है जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो। गाइस यहाँ पे 4 फेब्रुअरी को यहाँ पे एक और न्यू फर्मवेयर टेस्ट किया गया, और गाइस फाइनली यहाँ पे 12 फेब्रुअरी 2021 को एक और न्यू फर्मवेयर टेस्ट किया गया। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सैमसंग यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्मवेयर जो है वो टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे अपडेट जो है वो टेस्टिंग चल रही है, और व्हाट्स न्यू में आप लोगों को एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली ये जो टेस्टिंग चल रही है वो गाइस यहाँ पे इंडियन डिवाइस के लिए टेस्टिंग चल रही है। तो गाइस यहाँ पे इंडिया के अंदर जो आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल सकती है वो गाइस यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने यहाँ पे ए सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स के लिए फाइनली आउट ऑफ इंडिया रिलीज कर दिया है एंड्रॉयड 11 प्लस वन यू आई 3 की स्टेबल अपडेट। गाइस यहाँ पे A51 A71 के लिए ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया एंड्रॉयड 11 की अपडेट देखने के लिए मिल चुकी है। एंड यहाँ पे A50 के ऊपर भी काफी सारे फर्मवेयर टेस्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 12 फेब को फर्मवेयर टेस्ट की गई है वो यहाँ पे लास्ट फर्मवेयर हो, एंड यहाँ पे हमें अपडेट जो है वो बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट के बारे में कि यार हमें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगी तो गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को अपडेट मिलने वाली वो यहाँ पे मार्च के स्टार्टिंग से फाइनली अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे सैमसंग क्या करता है, बिकॉज यहाँ पे ए सीरीज के डिवाइस के अंदर जो है वो यहाँ पे काफी लेट से अपडेट प्रोवाइड करा रहा है एज कम्पेयर टू एम सीरीज। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं सैमसंग क्या करता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन निकल के आती तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।